हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, आपको पढ़ना क्या क्या है, टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, कौन सब्जेक्ट ऑप्शनल है, और कितने सब्जेक्ट्स में से आप कौन कौन से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत बात किया जाएगा इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि कितने नंबर्स के टोटल पेपर होंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर्स के एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स में एक्सटर्नल कितने मार्क्स का होगा, इंटरनल कितने मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। यकीन करें, अगर आप ये वीडियो देखते हैं ना, तो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वायरी है इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी, कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो के बाद आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आपके बीएड में टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में अवध यूनिवर्सिटी में आपको टोटल पांच सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? टोटल पांच सब्जेक्ट्स। इन पांच सब्जेक्ट्स में जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ना, वो कॉमन है, वो क्या है, कंपलसरी है आपके लिए, कॉमन है वो। चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, और चाहे वो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, आपको ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। वो तीन सब्जेक्ट्स के नाम क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, किताबें भी इसी नाम से मिलेंगी। वो तीन सब्जेक्ट्स के नाम है, पहला नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉलेज एंड करिकुलम। दूसरा सब्जेक्ट है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, दूसरा है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये दूसरी किताब का नाम है। तीसरा सब्जेक्ट जो है शैक्षिक तकनीकी, इंग्लिश में इसको कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, कुछ किताबों में आईसीटी लिखा होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ना, ये कंपलसरी आप किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीएड फर्स्ट ईयर अगर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया है या फिर किसी ऐसे कॉलेज से लिया है जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, तो आपको ये तीन सब्जेक्ट्स कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो ठीक है, अब देखते हैं ना कि जो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उस दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप कौन कौन से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी आपको टोटल 13 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन देती है, मतलब ये जो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना, इसके लिए आपके पास 13 सब्जेक्ट्स हैं, 13 सब्जेक्ट्स हैं। इन 13 सब्जेक्ट्स में से आप किसी भी दो सब्जेक्ट को चुन सकते हो। सो पहले देख लेते हैं कि वो 13 सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं। तो पहला सब्जेक्ट है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दूसरा है मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी, तीसरा है मेथड ऑफ टीचिंग संस्कृत, चौथा है मेथड ऑफ टीचिंग उर्दू। ऐसी जो मेथड ऑफ टीचिंग है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स में है, तो मैं बस सब्जेक्ट्स का नाम लेता हूँ। ठीक है, पांचवा सब्जेक्ट है मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। छठा सब्जेक्ट है मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस पे ध्यान दें। फिजिकल साइंस का मतलब ये नहीं कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल साइंस का मतलब होता है कि आपको फिजिक्स पढ़ना है, बट सिलेबस में इसको फिजिकल साइंस के नाम से कहा गया, फिजिकल साइंस के नाम से लिखा गया है। ठीक है, तो मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस, उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स, मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, और मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। तो ये जो 13 सब्जेक्ट्स है ना, ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, और इन 13 सब्जेक्ट्स में से किसी दो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को आपको चूज करना है, और वो दो सब्जेक्ट्स जो हैं आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए एज ए कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि मेन सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, अब वन बाई वन बात कर लेते हैं कि कौन से स्ट्रीम के बच्चे क्या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकता हूँ। तो जो मैथ के स्टूडेंट है ना, तो मैथ के स्टूडेंट इनमें से जो दो सब्जेक्ट चूज करेंगे वो होगा एक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, और दूसरा होगा मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स। अब आप देखें कि ये जो है ना, मैथ और फिजिक्स ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये डेफिनेटली अगर आप मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया है तो डेफिनेटली ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी ग्रेजुएशन में होंगे, 101% होंगे। तो मैथ वाले बच्चे ये दो सब्जेक्ट चूज करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, आपके ग्रेजुएशन में मौजूद नहीं होगा, तो आप उसको नहीं चूज कर सकते। यानी कि जो जिन्होंने मैथ से ग्रेजुएशन किया है, जो मैथ से पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर, उनके जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो है मैथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स और मैथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। ओके, सिमिलरली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, उनके जो दो सब्जेक्ट्स होंगे ऑप्शनल, वो होंगे मैथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजी और मैथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस।
इन दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपका पूरा कोर ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन बायोलॉजी से किया है तो आपको यहाँ भी बायोलॉजी ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, और बायोलॉजी के साथ जो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बनता है वो है मैथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, यानी कि जो बायो के बच्चे हैं उनके जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो यही होंगे, मैथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजी और मैथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। इसी तरह से जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके पास दो सब्जेक्ट्स होगा, मैथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स और मैथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। गाइस ये जो साइंस है ना, जो मैथ और साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, इनका बड़ा ही सिंपल है। मैथ वालों का मैथड ऑफ टीचिंग मैथ और फिजिक्स, उसी तरह बायो का बायो और फिजिक्स, और कॉमर्स का कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, इनका बड़ा ही सिंपल है, यही सब्जेक्ट्स होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है किसके लिए, बीए वालों के लिए जिन्होंने एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इनके पास सब्जेक्ट्स के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टडी से बता रहा हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है और आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास चार पेपर है, कौन सा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और हिंदी, ये चार सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इन चार में से 100% कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, नहीं तो संस्कृत होगा, नहीं तो उर्दू होगा, एक सब्जेक्ट तो होगा ही। तो आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लें। लेट्स सपोज आपने हिंदी चूज कर लिया, बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है वो इन चारों में से कोई चूज कर ले, कौन सा, होम साइंस, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर ले जो कि आपके ग्रेजुएशन में, बड़ा ही सिंपल सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हिंदी होम साइंस ले लो, ले लीजिए अगर आप होम्स ये दोनों था, या फिर हिंदी इतिहास ले लीजिए, हिंदी भूगोल ले लीजिए, या फिर हिंदी नागरिक शास्त्र ले लीजिए। उसी तरह से अगर आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश था तो आप इंग्लिश और होम साइंस ले लीजिए, इंग्लिश नागरिक शास्त्र, इंग्लिश इतिहास और इंग्लिश भूगोल। उसी तरह से अगर आपने उर्दू से किया है तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। ज़्यादा अगर आप अगर मगर करेंगे ना तो फिर हो नहीं पाएगा। जैसे कि अब कोई बच्चा ये चाहे कि वो मैथ के साथ संस्कृत ले ले तो नहीं ले सकता ना, कोई ये चाहे कि वो कॉमर्स के साथ वो होम साइंस ले ले तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो भाई हमें यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलना है, और यूनिवर्सिटी कभी नहीं चाहेगी कि आपका जो स्ट्रीम जो चल रहा है वो ख़राब हो, क्योंकि बीएड के बाद हो सकता है आपको एमएड करना पड़े और फिर वहाँ जाके आप सब्जेक्ट लेके फंस जाएंगे। ओके दोस्तों, तो बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कितने नंबर के टोटल क्वेश्चन, कितने नंबर के एग्जाम्स होते हैं। बीएड जो फर्स्ट ईयर होता है वो टोटल 700 नंबर का होता है। 700 नंबर में 500 नंबर सब्जेक्ट्स के होते हैं, यानी कि आपके जो पांच सब्जेक्ट्स हैं वो 100-100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। 200 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल आपका 200 नंबर का होता है, ठीक है। और ये जो 500 नंबर जो सब्जेक्ट्स के होते हैं ना, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, यानी कि 80 नंबर का जो होता है वो आपका एक्सटर्नल पेपर होता है, यानी कि आप जब सेंटर पे जाएंगे तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको आप लिखेंगे, वो 80 नंबर का होता है। और जो 20 नंबर होगा वो आपको इंटरनल मिलेगा, इंटरनल अब कॉलेज की फैकल्टी इस बात से जज करेंगे कि आपका अटेंडेंस कैसा है, आपके बिहेवियर कैसे हैं, आपके असाइनमेंट्स कैसे रहे, तो ये सब को देख के 20 नंबर वो कॉलेज की तरफ से इंटरनल मिलता है, और 80 नंबर एक्सटर्नल हमें जाके एग्जाम देना होता है। इस तरह से हर सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं, और 500 नंबर होते हैं सब्जेक्ट्स के, 200 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के, टोटल फर्स्ट ईयर में होते हैं 700 के पेपर्स। ओके तो ओके दोस्तों, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर भी कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप कमेंट में पूछना, मैं कोशिश करूँगा फिर से मैं और बेहतर तरीके से आपके बता सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आपके पास कुछ फीडबैक है ना, कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर मैं अपना फेसबुक लिंक दे रहा हूँ, मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट करके मुझे मैसेज में बता देना। और गाइस मुझे खुशी होगी, पता थोड़ा सा मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो मुझे खुशी होगी अगर आप भी इस चैनल को ज्वाइन करते हैं, मतलब सब्सक्राइब करते हैं, इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करते हैं। गाइस मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एंड मुझे लगता है कि यार जब जो ज्ञान है वो बाटने से बढ़ता है, और मैं खुद सीख रहा हूँ, एंड आई बिलीव दैट द टीचिंग समवन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू, एंड एज मच एज आई विल इन्फॉर्म यू दैट मच आई विल गेन ऑल्सो। सो या आई एम डूइंग द सेम थिंग्स, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई ऑल्सो होप, आई विश यू विल सपोर्ट मी, यू विल डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो प्लीज डू दैट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।